हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो टाटा पावर की तरफ से निकल कर आ रही है। एक बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स वालों के लिए, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक फ्रेशर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है, इसमें आप लोगों को पैकेज 6 लाख पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये है TCS का ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छा अच्छा नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आया है, जिसमें फर्स्ट है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी कंप्यूटर साइंस के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से डिप्लोमा करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस में से 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ इसमें स्किल्स और जॉब समरी का डिटेल्स यहीं पे मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग आपके हिसाब से उसका डिटेल्स चेक कर लेना। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पोस्ट है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी फायर एंड सेफ्टी के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग फायर एंड सेफ्टी में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब समरी एंड स्किल्स का डिटेल्स यहीं पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पोस्ट है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पोस्ट है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लोग आपके डिप्लोमा पे फाइनल ईयर पे हो तो उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग आपके डिप्लोमा पे फाइनल ईयर पे हो तो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पोस्ट है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मांगा गया है, और अगर आप लोग आपके डिप्लोमा पे फाइनल ईयर पे हो तो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग सिविल के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन सिविल मांगा गया है, और अगर आप लोग आपके डिप्लोमा पे फाइनल ईयर पे हो तो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए, जिसमें फर्स्ट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 4 साल का BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग BBTech में फाइनल ईयर पे हो तो उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में BBTech इन फायर एंड सेफ्टी मांगा गया है, और अगर आप लोग आपके BBTech पे फाइनल ईयर पे हो तो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में से 4 साल का BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग आपके BBTech पे फाइनल ईयर पे हो तो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग एनवायरमेंट के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग एनवायरमेंट में से डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है 30 जून 2022। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में फर्स्ट होगा आप लोगों का ऑनलाइन सिविल टेस्ट। ऑनलाइन सिविल टेस्ट में आप लोगों का टेक्निकल पार्ट एंड नॉन टेक्निकल पार्ट दोनों पार्ट में से क्वेश्चंस रहेगी। अगर आप लोग ऑनलाइन सिविल टेस्ट में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा और HR इंटरव्यू होगा। अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी।
इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट के लिए आप लोगों को एनुअल सीटीसी 6 लाख मिल जाएगी और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट के लिए आप लोगों को एनुअल सीटीसी 4.5 से लेके 5 लाख मिल जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन प्रोसीड्योर में आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके नीचे में आप लोगों को अप्लाई नाउ ऑप्शन दिख रहा है जिसमें आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट आप लोगों को क्रिएट अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी जिसमें फर्स्ट आपको आपका नेम फिल करना है, उसके बाद आपको आपकी ईमेल आईडी फिल करना होगा, नेक्स्ट आप लोगों को कोई भी एक पासवर्ड चूज करना है और उसके बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर फिल करने के बाद वैलिडेट नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी जिसको आप लोगों को यहीं पे वेरीफाई करना होगा। अगर आप लोग SC ST कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आप लोग इस ऑप्शन को यस कर सकते हो और उसके बाद आप लोगों को कैप्चर फिल करने के बाद क्रिएट अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग को आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड यहीं पे फिल करने के बाद लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी और आप लोग वहां से आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यही इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं जो भी वीडियोस बना के यूट्यूब में अपलोड करता हूँ उसका लिंक वगैरह में वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन यहीं पे मिस कर देते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टिक आउट कर सकते हो। उसके अलावा जॉब रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ तो इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ और आगे भी शेयर करता रहूँगा और उसके साथ एग्जाम का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। तो अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए आप लोग को भी फायदा मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी और अप्लाई करने का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।